मॉब लिंचिंग, यह शब्द आपने सुना होगा। पिछले 6-7 साल में यह शब्द मीडिया में, समाज में चर्चा का विषय रहा है। मॉब लिंचिंग, आखिर यह लिंचिंग होता किसका है? इसमें जो भी मामले आए हैं वो ज्यादातर अल्पसंख्यक अर्थात मुसलमानों के हैं। मुस्लिम्स की ज्यादा मॉब लिंचिंग हुई है। और आज मैं सोशल मीडिया पे गुजर रहा था, एक जबरदस्त जो स्टोरी है, एक रिसर्च टीम बीबीसी ने तैयार किया है और उसी पे मैं चर्चा करने वाला हूं अगले 4 एपिसोड में। बीबीसी ने 4 केस स्टडी किए हैं उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग के, और बहुत ही शानदार है। आप वो शानदार इस सेंस में कि आपको ओरिजिनल रिसर्च कैसे होता है ये आप समझ सकते हैं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए, पहला अखलाक का नाम आपने सुना होगा। 2015 में गोमांस के नाम पर उसकी मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद ये पहली घटना थी 2015 की है। उसके बाद लगातार जो है उस एक स्क्रिप्ट तैयार हो गया, उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं हुई। जो रिपोर्ट जिन्होंने बनाई है, कृति दुबे नाम है, बीबीसी की जर्नलिस्ट हैं, और उनको बधाई दिया जाना चाहिए कि टाइटल है यूपी लिंचिंग पुलिस की जांच और इंसाफ। 4 केस है, मैं हर एपिसोड अलग अलग बनाना चाहता हूं। एक एपिसोड में भी जा सकता था लेकिन उससे मैसेज बात पहुंचेगी नहीं। बीबीसी की संवाददाता लिखती है कि बीते 6 साल में कई राज्यों से एक के बाद एक की ऐसी घटनाएं सामने आई हैं मॉब लिंचिंग की, जिसमें मारे जाने वाले व्यक्ति की धार्मिक पहचान उसकी हत्या की वजह थी। ऐसी घटनाओं को दुनिया में हेट क्राइम के नाम से जाना जाता है, उसको उस कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन भारत में हेट क्राइम के तहत आंकड़े दर्ज नहीं किए जाते, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है, वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है। वैसे एक भी विश्वविद्यालय इनके 300 टॉप विश्वविद्यालय में नहीं है दुनिया के। तो ये शानदार लाइन है कि यहां पे हेट क्राइम के आंकड़े ही दर्ज नहीं किए जाते। आगे, चूंकि देश में हेट क्राइम के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बीबीसी ने 2016 और 2021 में उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर जो गंभीर हमले और हिंसा हुई है उसका अध्ययन किया और पाया कि 2016 में जनवरी से लेकर अगस्त तक मुसलमानों के साथ हेट क्राइम के 11 गंभीर मामले सामने आए, जबकि 2021 में 5 साल बाद जनवरी से लेकर अगस्त तक मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसक जो मामले थी, वायलेंट जो इश्यूज थे, उसकी 24 संख्या थी, संख्या उनकी 24 थी। तो आप देख लीजिए कितना इजाफा हुआ कि 11 से 24 हो गई, मतलब 100% से ज्यादा जो है वो हिंसा के मामले मुसलमानों के खिलाफ बढ़े। रिपोर्ट में जो संगीन मामले हैं उसी को केस स्टडी में लिया गया है, और हिंसा मारपीट के छिटपुट जो मामले होते, छोटे छोटे मामले हो रहे हैं, उसकी रिपोर्ट ना मीडिया में आती है ना पुलिस में रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव उतना ही होता है कि जितना बड़े हेट क्राइम का। गांव में छोटे छोटे हमलाएं होती हैं, मुसलमानों को गाली दिया जाता है, धमकाया जाता है, तमाम ऐसी बातें होती हैं जिससे मुसलमानों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ती है। अब बीबीसी रिपोर्ट का जो रिसर्च है उसके हिसाब से साल 2019 में जो मानवाधिकार संगठन है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसकी एक रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट के मुताबिक हेट क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, और उसमें मुसलमानों के खिलाफ भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, और दलितों के खिलाफ उत्पीड़न, रेप, मर्डर, तमाम मामले उत्तर प्रदेश से ही आ रहे हैं। अब यह समझना जरूरी है कि धर्म या जाति के आधार पर हुई मारपीट की घटनाएं ही
हेट क्राइम के दायरे में आती हैं? इस सवाल है। हर मारपीट या लिंचिंग हेट क्राइम में नहीं आता। मसलन धार्मिक शिनाख्त के बिना किसी जेवकतरे को अगर भीड़ पीट पीट कर मार देती है तो यह लिंचिंग है लेकिन हेट क्राइम नहीं है। भीड़ में शामिल लोगों की धार्मिक पहचान से भी यह तय होता है कि वह घटना हेट क्राइम है अथवा नहीं है। जब भीड़ किसी व्यक्ति की जान लेती है तो उसे तकनीकी तौर पर लिंचिंग माना जाता है और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें हमले के पीछे पीड़ित व्यक्ति के धर्म की भूमिका नहीं थी, तो ऐसे मामलों को हेट क्राइम नहीं कहा जाता है। लगातार अंबेडकर नामा आपने देखा होंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें बताया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दलितों के प्रति जो है उसके खिलाफ इतनी ब्रूटल वायलेंस क्यों होता है, उसका साइकोलॉजी हमने समझाने की कोशिश की। अब चलिए पुलिस का क्या कहना है। प्रशांत कुमार है, आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनका कहना है कि हमने डीजीपी स्तर पर कई सर्कुलर जारी किए हैं और वक्त वक्त पर सर्कुलर को दोहराते भी हैं कि ऐसी लिंचिंग की किसी भी कीमत पर ऐसी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत भी किया हो तो लोगों को उसको पीटने का हक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो पीटने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। ये प्रशांत कुमार कह रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जो कि फूल बरसा रहे थे जो कावड़िया में, उनपे एक वीडियो हमने बनाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पुलिस का दावा है, पुलिस ये भाषा बोलती रहती है लेकिन वो कार्रवाई किस तरह से करती है ये समझना जरूरी है। अब आइए, बीबीसी ने 4 जिलों को का केस स्टडी किया है, सोनभद्र, बुलंदशहर, मथुरा और मुरादाबाद। ये 4 का जो है केस स्टडी आपके सामने है और इसके बाद पुलिस की क्या रवैया रहा, पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसको जांच पड़ताल करने की कोशिश की और इसमें 4 इंपॉर्टेंट मुद्दे उन्होंने लिए हैं। पहला कि एफआईआर कैसे हो रहा है, दूसरा पुलिस की केस डायरी, तीसरा चार्जशीट और चौथा जो एक्यूज होते हैं उनके लिए जो जमानत के आदेश जारी होते हैं उस दस्तावेज को पढ़ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। इन 4 तरह के डॉक्यूमेंट को रिसर्च करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद ये लेख लिखा गया। केस नंबर 1 पे ही आज मैं बात कर रहा हूं। पहला केस है सोनभद्र का केस है और है अनवर अली की लिंचिंग का मामला है। अभी क्या हुआ केस में जो बीबीसी अपने पड़ताल के बाद लिख रहा है वो जरा सुनिए, बहुत दिलचस्प है। कामरून अनवर अली की पत्नी है और रोते हुए बीबीसी संवाददाता को बताती हैं कि रात को 9:30 होंगे, अचानक घर के बाहर थोड़ी आवाज आई तो इनके अब्बा ने घर के बाहर झांका, उन्हें लगा कि कुछ लोग इमाम चौक तोड़ रहे हैं। वो बाहर निकले तो कुछ लोग इमाम चौक तोड़ रहे थे, जैसे उन्होंने बोला अरे ये क्या कर रहे हो, बस इतने में उन लोगों ने फावड़े और गड़ासे से उन पर हमला कर दिया। कामरून 48 साल की हैं और कहती हैं कि वो कंधे पर गमछा रखते थे, उनके गमछे को मुंह में ठूंस दिया गया ताकि किसी को बुला न सके। होलिका दहन का दिन था और जानबूझकर ढोल मंजीरे की आवाज तेज कर दी गई थी कि वो चीख न पाए, चीख को दबा दिया जाए। उन्हें फावड़े से मारा, जब वो अंदर नहीं आए तो मैं बाहर गई, देखा कि वो चीख पड़ी और थोड़ी थोड़ी सांसें वो ले रहे थे, लेकिन आंगन तक लाकर रखते रखते सब खत्म हो गया। 20 मार्च 2019 को होलिका दहन के दिन रात के 9:30 उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के परसोई गांव में 50 साल के अनवर अली की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। 2 साल बाद अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है लेकिन अभी तक बहस नहीं शुरू हुई, बल्कि गवाहियों का दौर चल रहा है। अनवर अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उन्हें 7 चोटें आईं
और धारदार हथियार से लगी चोटों के कारण उनकी मौत हुई। अब बताइए जो गांव में जो बात चल रही थी उसमें क्या हो रहे थे, मुसलमान विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। और मैं, मेरा जन्म जहां हुआ है, मेरा गांव में 50% मुस्लिम है, मुझे पता है ईद से लेकर मुहर्रम तमाम जो बातें होती है उसमें सब लोग शामिल होते रहे और एक दूसरे के त्योहार में सब शामिल होते रहे, लेकिन उस तरह की हिंसा वहां नहीं हुई जहां तक मुझे याद है। लेकिन यहां देखिए अब क्या हो रहा है कि अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, 2000 की बात है, जब सोनभद्र के ओबरा इलाके के परसोई गांव में हाई टेंशन तारे लगाई जा रही थी और इस काम के लिए बतौर सुपरवाइजर अनवर अली इस गांव में आए। काम तो पूरा हो गया लेकिन मूलतः गाजीपुर के रहने वाले अनवर इसी हिंदू बहुल गांव में बस गए। उनको डर नहीं था ना कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, तो वहीं पे वो बस गए। तो 2000 के बाद वहीं बसे हुए हैं, 20 साल हो गया और वहां पे लोगों ने बसाया था उनको। ऐसी क्या बात हुई है पिछले 6 साल में कि अनवर की हत्या कर दी गई। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं रिसर्च को। अनवर के बेटे का नाम है एनुलग। वो ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर वाले कागज को दिखाते हुए कहते हैं कि साल 2006 में खुद ग्राम प्रधान ने हमें हमारे घर के सामने स्थित सरकारी जमीन पर इमाम चौक लगाने की इजाजत दी थी और इसके लिए पूरे गांव वाले तैयार हुए थे, सारे ज्यादातर हिंदू थे, सब तैयार थे। फिर उसी के लिए हमारे अब्बा को मार दिया गया। सब लोगों ने मिलकर जमीन दी, इमाम चौक बना और उसी के लिए मार दिया गया। 6 साल में क्या हेट्रेड फैला गया था ये समझने की जरूरत है। एनुलग गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक रविंद्र खरवार को अपने पिता के लिंचिंग का मास्टरमाइंड बताते हैं और अनवर के परिवार का दावा है कि जब से वो गांव में आए थे तभी से गांव में हिंदू मुसलमान की बातें शुरू हुई। एक्यूज्ड रविंद्र खरवार है, अपने पिता को आंखों के सामने तड़पकर मरता देखने वाले सिकंदर, उनके दूसरे बेटे होंगे शायद, कि उम्र उस समय 25 वर्ष थी। वो कहते हैं कि परसोई गांव के सरकारी स्कूल में रविंद्र खरवार मास्टर की ड्यूटी की थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के बाद वो शाखा लगाते थे। इस शाखा में मुसलमान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते थे। इस शाखा में पहले यह शाखा स्कूल के पास लगाई जाती थी जो हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन कुछ दिन बाद यह शाखा इमाम चौक वाले मैदान पर लगने लगी जो हमारे घर से ठीक सामने था। जानबूझकर एक मुस्लिम के घर के सामने शाखा लगाई जाने लगी। नारों में भी बदलाव हो गया और अब नारा लगने लगा परसोई के वीर आएंगे, इमाम चौक घिराएंगे। पूरे गांव में 1% भी मुसलमानों की आबादी नहीं थी। यहां ताजिए में हमारे साथ हिंदू लोग शामिल होते थे। सिकंदर उस रात को याद करते हुए कहते हैं कि वो लोग इमाम चौक तोड़ रहे थे और जब अब्बू ने उन्हें रोकने को कहा तो उन लोगों ने अब्बू को मार दिया। इस बार वो लोग तैयारी के साथ आए थे कि जान से मार देंगे। अब माहौल कैसे बिगड़ा है इस पे बढ़िया रिपोर्ट है, देखने की जरूरत है। अनवर अली की हत्या से 6 महीने पहले एक चबूतरा जो बनता है जिसमें ताज रखा जाता है, ताजिया रखा जाता है, उस चबूतरा को तोड़ दिया गया, इमाम चौक को तोड़ दिया गया और पुलिस के मौजूदगी में इस चबूतरे को बनवा दिया गया था। हत्या की घटना से 1.5 महीने पहले, महज 1.5 महीने पहले फिर इमाम चौक को तोड़ा गया। इस बार भी पुलिस आई, चबूतरे की मरम्मत कराई गई। चबूतरे के टूटने पर जब इसकी लिखित शिकायत अनवर के परिवार ने की तो दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला खत्म कर दिया गया। एनुलग आगे कहते हैं कि जब इमाम चौक पहले तोड़ा गया और पुलिस आई तो इंस्पेक्टर साहब उन्हीं लोगों के साथ बैठते थे जिन लोगों ने चबूतरा तोड़ा था। ऐसे में
उनका मन क्यों नहीं बढ़ता, ये हम सब गांव में देख चुके हैं कि मुखिया जी, सरपंच जी, वहां के दबंग लोगों के साथ इंस्पेक्टर बैठता है, इससे दबंगों का हौसला बढ़ता है। और कमरून अपने पति को याद करते हुए कहती हैं, ये कह दिया होता कि ताजिया नहीं रखा जाएगा, हम कह देते थे कि तोड़ दो, सिर्फ ये कहना था कि ताजिया मत रखिए, तो कह रहे तोड़ दो। सब कुछ गांव वाले से पूछ कर किया था, हमारी तो आबादी भी गांव में कुछ नहीं थी, ताजिए के जुलूस में हिंदू परिवार भी आते थे, नहीं पता था कि जो लोग साथ खड़े थे वही जान के दुश्मन बन जाएंगे। कामरून का स्टेटमेंट है, 6 साल में कुछ लोगों ने जहर घोला है समाज में। अब जो एक्यूज है वो है रविंदर खरवार। उन्होंने बीबीसी को बताया कि उन्हें पूछताछ के लिए कभी थाने में नहीं बुलाया गया। जाहिर है किस तरह के प्रेशर होते हैं आप जानते ही हैं, सरकार, संगठन, संस्था, सबके प्रेशर होते हैं। अली अनवर का परिवार मानता है कि अगर वक्त रहते प्रशासन ने कार्रवाई की होती तो ये नहीं होता। इंसाफ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे अनूल हक, उनके जो बेटे हैं अनवर के, कहते हैं कि इस मामले में आज भी जमानत पर रिहा है जो एक्यूज है। गिरफ्तारी सबकी हुई लेकिन जो शख्स लोगों को सिखाता था, नोट कीजिएगा, जिसने लोगों से वो सब करवाया उसे पुलिस ने कभी गिरफ्तार नहीं किया। मैं एक बार थाने गया था और पूछा कि मास्टर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, थाने वालों ने, अधिकारी ने डांट कर उसे भगा दिया। तो जो मेन जो कॉन्स्पिरेटर है उसे गिरफ्तारी नहीं हो रही। पुलिस केस डायरी में फरार बताए जाने वाले रविंद्र खरवार का नाम चार्जशीट में नहीं है। इसी को मैं लीला कहता हूं, मास्टरमाइंड कोई और है, काम कोई और किया, मास्टरमाइंड का नाम वहां नहीं, ये आदमी कौन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बीबीसी की टीम परसोई गांव पहुंची है, वहां गांव की एक महिला अली अनवर का नाम लेने पर कहती है कि वही जिसको लड़कों ने मार दिया, तब ऐसे इतना आसानी से मार दिया लड़कों ने, अब तो उनका परिवार इस गांव में नहीं रहता। 2 साल बाद भी इस गांव में लोग अनवर की हत्या के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। गांव में हमारी मुलाकात, कह रहे हैं बीबीसी, उनके जो एक्यूज्ड है वो सारे एक्यूज्ड से बीबीसी के संवाददाता ने मुलाकात की। उनका नाम है राजेश प्रजापति, ये सब बैकवर्ड है और दलित और बैकवर्ड होगा, राजेश प्रजापति, राजेश खरवार और अक्षय, इन सबसे मुलाकात हुई है। ये सभी खुद को बेकसूर बताते हैं, कहते हैं कि कैसे धीरे धीरे मुसलमानों ने ताजियों के नाम पर पूरा चबूतरा बना दिया था। चबूतरा बनाया था गांव वाले के कहने से बनाया था ना, जबरदस्ती तो नहीं बनाया था ना, लैंड इंक्रोचमेंट तो नहीं किया था। खैर, राजेश खरवार बताते हैं कि मास्टर जी खरवार, रविंद्र खरवार, शाखा लगाते थे, सबको कहते ऐसा करो वैसा करो, आज हम सब फंस गए वो बच गए, यही लीला है। दलित बैकवर्ड हो जाके हिंसा कर लिया, मास्टरमाइंड निकल गया और आप फंस गए, जबकि सब कुछ उनका ही किया हुआ है। आज भी हमसे बात करते हैं तो दुख जताते हैं, लेकिन उससे क्या होगा मैडम जी। अब आइए डॉक्यूमेंट्स, किस किस डॉक्यूमेंट की पड़ताल हुई, इसमें भी थोड़ी बात कहता हूं कि बीबीसी ने इस केस से जुड़े सभी दस्तावेजों की पड़ताल की है। 17 जून 2019 को पुलिस की केस डायरी संख्या 18 का ब्यौरा कहता है कि रविंद्र खरवार के बलिया स्थित निवास पर छापा मारा गया, लेकिन वे नहीं मिले। पुलिस के पास अदालत से जारी वारंट है लेकिन रविंद्र फरार है। जब इस मामले की चार्जशीट दायर की गई तो इस केस में रविंद्र खरवार का कहीं नाम नहीं था। लिंचिंग के बाद रविंद्र खरवार का परसोई गांव से ट्रांसफर हो गया, वाह, ट्रांसफर हो गया, और अब वह चोपन ब्लॉक के एक स्कूल में पढ़ाते हैं। बीबीसी ने रविंद्र खरवार से मुलाकात की, बीबीसी की टीम मिली है। खरवार का कहना है कि वे बीते 20 सालों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ,
आरएसएस से जुड़े हैं और वे खुद को सोनभद्र का सह जिला कार्यवाह बताते हैं। जब बीबीसी ने खरवार से 2019 में अनवर की लिंचिंग पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि लोग आरएसएस को बदनाम करने के लिए मेरा नाम लेकर आए हैं, मैं तो अपने घर में था। जो लोग इस घटना के अभियुक्त हैं उनको मैं जानता तक नहीं, जितने प्रजापति खैरवार जो एक्यूज हैं उसको जानते तक नहीं, उसको चढ़ाए ही लोग थे लेकिन उसको अब नहीं जान रहे, ये है खेला। जब उनसे पूछा गया कि मुख्य अभियुक्त का कहना है कि वो आपको बखूबी जानते हैं और आपसे उनकी बातचीत भी होती है, इस सवाल को सुनकर रविंद्र खरवार असहज हो गए और कहा, हां लेकिन बात होने से क्या होता है, बात से जहर भर दीजिए लेकिन उससे होता क्या है। इसके साथ ही रविंद्र खरवार बताते हैं कि पुलिस ने न तो कभी पूछताछ के लिए थाने बुलाया और न ही मुझे हिरासत में लिया, जबकि वह इस एफआईआर के मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद थे। बीबीसी ने इस मामले पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पक्ष जानने की कोशिश की है और खरवार के दावे की तस्दीक करने की कोशिश की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख डॉक्टर समूल अंबेडकर से आरएसएस के जरिए और टेलीफोन से संपर्क, एसएमएस के जरिए और टेलीफोन से संपर्क किया लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीबीसी ने जब सोनभद्र के एसपी अमरेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने कहा, सिर्फ नाम दर्ज होने से तो नहीं हो जाता, हमारी जांच में रविंद्र खैरवार के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। जांच कैसे किया एसपी साहब ये बताते ना। पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि खरवार अभियुक्त नहीं है, इसका जवाब अमरेंद्र सिंह ने नहीं दिया कि जो मेन एक्यूज्ड है उनके नजर में एक्यूज्ड है ही नहीं। खेला समझिए, लीला समझिए। ये पहला एपिसोड है कि मुसलमानों के खिलाफ जब लिंचिंग होती है पुलिस और प्रशासन कैसे काम करती है। अगले एपिसोड में दूसरा केस लेकर आऊंगा। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा, आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, जय हिंद।